बताइए यूपी कांग्रेस की आज बैठक हुई है प्रदेश कार्यालय में। आपको बता दें इस दौरान करीब कई दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए और कई अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें तो चुनाव की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। आपको बता दें भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक आज है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम को संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और कई बीजेपी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। इस दौरान पहली लिस्ट जारी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से भाजपा संसदीय बोर्ड की काफी अहम बैठक है आज शाम को। ये संसदीय बोर्ड की बैठक होगी जिस दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है कि कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में आएंगे। पहली लिस्ट आपको बता दें जारी हो सकती है इस बैठक के दौरान। तो संसदीय बोर्ड की अहम बैठक पर बीजेपी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। पहली लिस्ट जारी हो सकती है इस बैठक के दौरान। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित तिवारी जुड़ चुके हैं संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। अंकित, काफी संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके नाम की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, ऐसे कयास लगाया जा रहा है। संबंध में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, यहाँ पे अभी ये पता चल रहा है कि बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक है वो शाम को 7 बजे होनी है और इसके बाद बीजेपी की पहले लिस्ट भी जारी की जा सकती है। और इसके साथ ही साथ ये भी घोषणा हो सकती है कि बीजेपी दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दावेदार कौन होगा। जी, तो क्या माने जो अंकित, आखिर कौन दावेदार हो सकता है और जो प्रत्याशियों की लिस्ट की अगर बात की जाए तो कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं इस लिस्ट में? जी देखिए, इस जो प्रत्याशियों की लिस्ट आने वाले उसमें 35 नाम बताया जा रहा है। तकरीबन 35 नामों की पहली लिस्ट आएगी आज बीजेपी के शाम पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ये लिस्ट इन नामों की घोषणा की जाएगी। इनमें बताया जा रहा है करीब 15 से 20 नाम पुराने विधायकों के हैं जो इसके पहले दिल्ली जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो तकरीबन माना यही जा रहा है कि किरण बेदी के नाम की घोषणा भी हो सकती है यहाँ पे। और बीजेपी किरण बेदी को दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और अपना चेहरा भी बना सकती है। जी, तो अगर जनता की रुख की बात की जाए तो अंकित क्या कुछ लगता है, जनता का क्या कुछ रुख निकलता नजर आ रहा है? जनता किसको सीएम के तौर पर देखना चाहती है? जी देखिए, जब पहले की अगर बात करें तो किरण बेदी की जब तक बीजेपी में शामिल नहीं हुई थी तो दिल्ली वालों की पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल थे। लेकिन जैसे ही किरण बेदी बीजेपी में शामिल हुई हैं, जो सर्वे है और जो लोगों का नजरिया है वो उसमें काफी बड़ा बदलाव आया है और दिल्ली की जनता तकरीबन 55-56% अगर कहा जाए तो दिल्ली की जनता जो है वो किरण बेदी को सीएम के रूप में देखना चाहती है दिल्ली। जी बिल्कुल अंकित, और कौन कौन से नाम ऐसे खास शामिल हो सकते हैं इस लिस्ट के दौरान? बीजेपी उन नामों का ऐलान कर सकती है जो सीएम पद के दावेदार के रूप में हो? जी देखिए, इन नामों में अभी सबसे बड़ा नाम किरण बेदी का चल रहा है। इसके पहले कई नामों की चर्चा हुई थी जिसमें जगदीश मुखिया का भी नाम था, हर्षवर्धन भी आ रहे थे, स्मृति ईरानी के नाम पर भी चर्चा हो रही थी। लेकिन किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने के बाद जो कयास लगाया जा रहा है उसमें पूर्ण जोर जो बताया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि किरण बेदी को ही बीजेपी अपना दिल्ली में चेहरा बना सकती है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी आज इस संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान कई अहम प्रत्याशियों की सूची की पहले लिस्ट जारी कर सकती है और जो जनता का रुख है वो क्या कुछ आने वाले समय में निकलकर सामने आता है, कौन सीएम होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर नजर आ रही है और बीजेपी इस संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान आज पहली